आइए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्या कहता है? अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अनीता और अंकिता पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर कैपिटल्स मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। एज ऑन 1st अप्रैल, 1st अप्रैल को कैपिटल है यानी ओपनिंग कैपिटल है कितनी कितनी, 5 लाख और 4 लाख। उनकी बेटा ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख और 4 लाख की। आगे कहते हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड आपको IOC देगी 10% का, ठीक है। आगे कहते हैं द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। फर्म क्या करेगी, 2 लाख का नेट प्रॉफिट फर्म ने कमाया है। पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जर्नल एंट्री डालनी है IOC की और प्रॉफिट को बांटने की। एक बार याद दिला दे, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, IOC की एंट्री याद है मैंने आपको, इस वे में सिखाया था। दो एंट्रीज डालते क्या, पहले IOC टू पार्टनर्स कैपिटल फॉर P&L अप्रोप्रिएशन टू IOC, ठीक है। तो वही चीज हम फॉलो करेंगे यहां पर भी। तो आओ सिंपल है, अब तो IOC की एंट्री, मिस्टेक कहां होगी, डेट लिखना भूल जाओगे, 2023 31st मार्च IOC देने की एंट्री। IOC डेबिट टू A1 कैपिटल अकाउंट। बेटा अनीता को मैंने A1 बोल दिया है और अंकिता को A2 बोल दिया है। कितना कितना, 50,000 10% है और 40,000, ये तो नॉर्मल था, तो ये आ गया 90,000 का, राइट। अच्छा फिर P&L अप्रोप्रिएशन टू IOC, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC 90,000 90,000। फिर नेक्स्ट, अब मैंने इसमें एंट्री ऐड कराई है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना है बिना P&L अप्रोप्रिएशन बनाए। 2 लाख का प्रॉफिट था, 2 लाख में से 90,000 गए तो बच गया 1.1 लाख, इसको बांटने की एंट्री। क्या होता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A1 कैपिटल अकाउंट टू A2 कैपिटल अकाउंट। वन लैख 10,000 55,000 और 55,000, राइट। अच्छा जी ये हो गया। अब इसमें और कोई स्पेशलिटी तो नहीं है। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट कराने जा रहा हूं उसे ध्यान से लिखिएगा। नेक्स्ट एक मेरा छोटा सा नोट है, क्या यह कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पहले नोट क्या है वो समझते हैं। When closing capital is given, then calculate opening capital first. जब भी आपको बेटा closing capital given हो तो सबसे पहला काम ओपनिंग कैपिटल निकालो, देन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, लेकिन निकालते कैसे वो बताऊंगा। इसे काम करते हैं, स्टेप वाइज नाम दे देता हूं मैं। ये हो गया स्टेप वन, ओके ये स्टेप वन बोल लेते हैं इसे। ये क्यों मैं बोल रहा हूं आपको, इसका रीजन अभी समझ आएगा। स्टेप वन ओपनिंग कैपिटल निकालो। ओपनिंग कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, वो ध्यान से समझो। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, देखो बेटा दो केस है, अगर फिक्स कैपिटल है तो उसका अलग है और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसका अलग है। आइए फिक्स का करते हैं, अगर कैपिटल आपके फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी
ऐड कर दो कैपिटल विड्रॉन, ऐड कर दो कैपिटल विड्रॉन, यानी वो कैपिटल जो परमानेंटली के लिए निकाल ली है, लेस कर दो एडिशनल कैपिटल, अब ध्यान से देखना, ये तो दोनों में सेम है, अगर ड्रॉइंग्स है तो उसे हम ऐड करेंगे, बट किस केस में, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग केस में, ड्रॉइंग्स को ऐड करना यानी रिड्यूस करने वाले आइटम को प्लस कर देना और बढ़ाने वाले आइटम को माइनस, सिंपल सा फंडा है, हम रिवर्स चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग पर आते हैं, ठीक है। तो क्या एडिशनल कैपिटल को माइनस, कैपिटल विड्रॉन को प्लस, ड्रॉइंग्स को प्लस कर देंगे, लेस कर देंगे अगर प्रॉफिट, प्रॉफिट ध्यान से वर्ड देखो यहां पे, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर प्रॉफिट बढ़ चुका है तो उसे माइनस करना है, किस केस में, सिर्फ फ्लक्चुएटिंग के, और अगर लॉस हुआ है तो उसे ऐड बैक कर देंगे, लॉस इफ डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर लॉस हुआ तो उसे ऐड कर देना है, ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल, ये पहला स्टेप था। अब स्टेप नंबर टू, देन वी विल ड्रॉ अ टाइमलाइन, इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे, देन वी विल ड्रॉ अ टाइमलाइन, एंड टाइमलाइन पे हमने सिर्फ दो ही चीजें लेनी है बेटा, क्या, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉल, चाहे केस कोई भी हो, फिक्स्ड हो फ्लक्चुएटिंग हो, बात थोड़ी सी अभी कम समझ आएगी, क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे समझ आएगी, देन वी विल ड्रॉ अ टाइमलाइन एंड वी विल कंसीडर कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल ओनली, तो हम सिर्फ ये दो ही चीजें कंसीडर करेंगे, ओके। अब क्या है, इसके लिए मैं पिक करूंगा क्वेश्चन नंबर 56, क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। सिमरत एंड बीर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, सिमरत और बीर 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उनके अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, कैपिटल अकाउंट्स टू डेट रुपीज 4,80,000 एंड 6,00,000 रिस्पेक्टिवली, उनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है, 48 और 6,00,000, यानी 4.8 लाख और 6,00,000। ऑन 1 May 2022 सिमरत हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,20,000, 1 May को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एंड बीर विड्रू ₹60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल, और बी ने 60,000 कैपिटल से निकाले हैं, फ्रॉम हिज कैपिटल मतलब कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। आगे ऑन 1 October 2022 सिमरत विड्रू ₹2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, 2,40,000 सिमरत ने निकाले हैं 1 October को, यानी कैपिटल विड्रॉन है, एंड बीर इंट्रोड्यूस ₹3,00,000 और बी ने 3,00,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्ट करी, यानी एडिशनल कैपिटल। आईओसी इज अलाउड एट 6% पर एनम, आईओसी 6% पर एनम पे अलाउ होगा, सब्सिक्वेंटली बाद में क्या पता लगा, इट वाज नोटिस दैट आईओसी एट द रेट 6% पर एनम हैड बीन ओमिटेड, आईओसी देना भूल गए, इसकी टेंशन ना लो। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 अमाउंटेड टू ₹2,40,000, इस साल प्रॉफिट था 2,40,000 का, एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन इतनी इतनी, और उनकी ये ड्रॉइंग्स थी, कंप्यूट द आईओसी इफ कैपिटल्स आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, समझो बेटा क्वेश्चन कह रहा है, सिमरत और भी पार्टनर्स है, कैपिटल दे रखी है एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन ड्रॉइंग्स दे रखी है, आईओसी कैलकुलेट करना है। बेटा सबसे पहले यहां पर जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, कि इस सबकी मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ये लिखा हुआ है 31 मार्च 2023
आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो बेटा एक लाइफ पे कसम खा लो, जब क्लोजिंग दिखे तो सबसे पहला काम ओपनिंग निकालने का है, कसम खा लो आज। तो करते हैं, अगर कैपिटल फिक्स है तो कैसे होगा और फ्लक्चुएटिंग है तो कैसे होगा। तो सबसे पहला काम जैसी क्लोजिंग है मेरा काम है इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालना। ओके, तो फिक्स कैपिटल केस ए ले रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सिमरत और वीर, तो क्लोजिंग कैपिटल है कितने की, 4,80,000 और 6,00,000। आगे, ऑन 1st May 2022 सिमरत हैड इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। सिमरत की क्या हो गई, एडिशनल कैपिटल। याद करो फॉर्मेट क्या है, फिक्स के अंदर सिर्फ दो ही आइटम लेनी है, कौन सी, कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल को माइनस, कैपिटल विड्रॉन को प्लस। तो ये क्या हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल माइनस और कैपिटल विड्रॉन प्लस। आओ जरा आप आइटम फिल करना स्टार्ट करें, कितना कितना है, 1,20,000 एडिशनल कैपिटल है सिमरत की, ये माइनस, बीर ने 60,000 निकाले कैपिटल से, यानी कैपिटल विड्रॉन, तो ऐड कर देंगे ऐसे 60,000। फिर 1st October को सिमरत ने विड्र्यू करे 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, अपनी कैपिटल में से, यानी सिमरत की क्या हो गई, कैपिटल विड्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। आगे, बीर ने इंट्रोड्यूस करे 3,00,000, बीर ने एडिशनल कैपिटल लगाई, यानी ये माइनस। तो ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल, ये निकाली क्यों, इसका रीजन अभी समझाता हूं। 4,80,000 और ये आ गए 6,00,000, 6,00,000, 3,00,000, 3,60,000 ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, IOC के लिए हमारे को टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। सर ये टाइमलाइन क्यों बेटा, एक सिंपल सी बात है, साल की शुरुआत में 6,00,000 लगाए हुए थे, यानी 6,00,000 आपकी कैपिटल थी। अब ये देखेंगे हमने साल में और कितना पैसा लगाया, क्योंकि उतने टाइम का IOC बढ़ेगा और जो निकाला उतने टाइम का IOC घटेगा, जैसा हमने क्वेश्चन में करा था। गया, हाँ, कमल और कपिल वाला क्वेश्चन था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है, यही काम करा था ना, टाइमलाइन इसलिए बनाई थी ताकि पता लग जाए कितने टाइम की कितनी कैपिटल है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होगा, तो आप टाइमलाइन बना लेते हैं। सर एग्जाम में टाइमलाइन के नंबर तो नहीं है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, इसके नंबर है, टाइमलाइन के नहीं है। तो सर क्या हम डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर सर हमको कोई और वे से आता तो कोई इशू नहीं है बेटा, उससे करना जो कंफर्टेबल है आपके लिए। आओ तो सिमरत की बात करते हैं, एस की 1st April 2022, 31st March 2023। हमने क्या करना है भाई, ध्यान सुन लो, दो ही चीजें लेके चलेंगे टाइमलाइन पे, तो कसम खा लो दो ही है, फिक्स कैपिटल सॉरी एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। तो 6,00,000 से शुरुआत कर रहे हैं, अब कब, 1st May को, 1st May मार्क कर देते हैं यहां पर। सिमरत ने क्या करा, एडिशनल कैपिटल, यानी इसकी कैपिटल प्लस हो गई 1,20,000। और बीर की बात, बीर को कर ले अभी या बाद में, चलो एक साथ ही कर लेते दोनों को। बीर की कितनी थी, 3,60,000। 1st May को बीर क्या कर रहा है, बीर 60,000 निकाल रहा है, ऑन 1st October सिमरत विड्र्यू ₹2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, 1st October को सिमरत निकाल रही है, माइनस 2,40,000,
और बीर 3 लाख ऐड कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, ठीक है। आगे करते हैं। अब 1 अप्रैल से लेकर 1 मई, यहां से यहां तक का इंटरेस्ट देखो, यहां से यहां तक कितने अमाउंट पे मिलेगा, 6 लाख पे, क्योंकि यहां से यहां तक 6 लाख रहा है ना, तो यहां मिलेगा 6 लाख पे कितने टाइम का, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मंथ। अब 1 मई से 1 अक्टूबर कितने होते हैं, 5 मंथ्स होते हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो 1 अप्रैल, तो 5 महीने, 5 मंथ्स, कितने अमाउंट पे बेटा, अब 1,20,000 बढ़ गया, यानी 7,20,000 पे। फिर 31 मार्च, 6 मंथ्स, कितने अमाउंट पे, अब 2,40,000 कम हो गया, तो आपका 720,240, 4,80,000 पे इंटरेस्ट, राइट। इसी तरह यहां पर देखो, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मंथ, अमाउंट 3,60,000। फिर 1 मई से 1 अक्टूबर, 5 मंथ्स, अमाउंट 60,000 कम, यानी 3 लाख। अब 3 लाख बढ़ गए, यानी आ गए 6 लाख, कितने पे, 6 मंथ्स का। जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर ले पहले इस केस में, तो आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग सिमरत का। आईओसी है मेरा 6% पर एनम रेट, तो 6 लाख का 1 महीने का, 6 लाख, 6/100 इंटू 1/12 प्लस 720 इंटू 6/100 इंटू 5/12 प्लस 4,80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, ओके। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये मैं इसको कर दूं कट, तो मैं डायरेक्टली वैसे ले सकता हूँ यहाँ पे 6, जैसे कैंसिल हो जाएगा, तो 6 लाख का 6% हो गया मेरा 36,000, 36,000 का आपका 1/12, तो 12 से डिवाइड करना है, तो 3,000 इसका आ गया, 3,000 प्लस 7,20,000 का सीधा मैं अगर कर देता हूँ इसको 6 से काटा, 2 मेरा ये हो गया आपका 36 इंटू 5 18,000 आना चाहिए, प्लस 4,80,000 का सीधा मैं ले लेता हूँ 3% ही ले लेता हूँ, तो 48 का मेरा हो गया 96 का हो गया मेरा 144, यानी 144,400 टोटल करके देखे मेरा 21 और ये 35, एक बार चेक करके देखें क्या सही आंसर है, ओके। यहाँ पे मैंने आंसर लिखा नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार मैं बुक से ही कि कैलकुलेशन एरर तो नहीं कोई, 56 स्टूडेंट्स, छोटा सा वो एरर है, ये 56 नहीं क्वेश्चन नंबर 66 है, इट इज क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है। हाँ, बाकी एक बार अमाउंट देख लेते हैं, सिमरत का बिल्कुल ठीक आ रहा है, बीर का इश्तेहार निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो बीर का भी आप निकाल लेंगे, मैं बीर के कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, अब मेरे को कॉन्सेप्ट सिखाना है, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। अब आते हैं, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैसे होगा, आइए केस 2 बी, अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है सिमरत और बीर, ठीक है, बीर का बेटा खुद ब खुद करना, बीर का तो डीआईवाई है,
जर्नल एंट्रीज मेरे को पता है आपके लिए डालना बहुत इजी है। क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी क्लोजिंग कैपिटल है, 4,80,000 और 6,00,000, कोई इशू नहीं है डाल दो, 4,80,000 और 6,00,000 राइट। आगे इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, कैपिटल विड्रॉन माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, ओके, और आपका ऐड कर देंगे ड्रॉइंग्स। अगर प्रॉफिट बांटा है तो माइनस करना, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना, भी मैं भी दिखा देता हूं प्रॉफिट, क्वेश्चन ने डिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं करा, अपने आप सोचना, आओ जरा देख ले एक बार। तो देखो पहले इनकी क्या है, क्योंकि एडिशनल कैपिटल है, यस 1,20,000 और 3,00,000, तो यहीं से देख लेते हैं सीधा, 1,20,000 और 3,00,000, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दी। कैपिटल विड्रॉन 2,40,000 और 60,000, ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स चेक करें है, आओ देखते हैं देखते हैं ड्रॉइंग्स, ये रही पार्टनर्स ड्रॉइंग्स हैड बीन 1,20,000 एंड 60,000, पार्टनर की ड्रॉइंग्स 1,20,000 और 60,000 की है। इसके अलावा प्रॉफिट, अब जरा इसको पढ़ते हैं, Subsequently, it was noticed that IOC had been omitted. IOC तो भूल गए थे, कोई बात नहीं। Profit for the year 31st March amounted to ₹2,40,000. Profit इतने का था। सर ये तो क्लियर ही नहीं हुआ कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ। बेटा हुआ है, कहाँ पर हुआ है, फर्स्ट लाइन में। फर्स्ट लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, सिमिलरली पार्टनर्स ओके ऑन 31st मार्च आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट्स को बंद करने के बाद, अकाउंट्स को बंद करना मतलब प्रॉफिट ये सब कुछ बांट देना, इसके बाद आपका जाके कितना है बेटा, इसके बाद जाके आपकी कैपिटल निकली है 4,80,000 और 6,00,000 के, इट मींस आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ध्यान रखना जब अकाउंट्स का क्लोजर होता है तो हम सारा काम उसमें कर चुके होते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन बना चुके होते हैं, IOD IOC सैलरी सब कुछ। अब क्वेश्चन ने मेंशन कर ही दिया था कि IOC हम भूल गए, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, किस रेशियो में हुआ होगा, 3:2 में, तो 2,40,000 को 3:2 में बांट देते हैं, तो 48 का डबल कर देते हैं 96 और आपका आ जाएगा ये 1,44,000। ये प्रॉफिट को मैंने क्या करना है, माइनस कर देना है, ओके। तो ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, अब क्या सिखाया था इसके बाद बेटा, क्या बनाएंगे, टाइमलाइन आईओसी के लिए, और ध्यान रखना टाइमलाइन के ऊपर हमने दो आइटम लेनी है, चाहे केस को हिस्सा भी हो। फर्स्ट अप्रैल 31st मार्च पहला था फर्स्ट मई को फर्स्ट अक्टूबर तो फर्स्ट मई को कितना था 5,74,000 और इसका था 2,64,000। फर्स्ट मई को हमने क्या करा, हमने 1,20,000 की एडिशनल कैपिटल और 60,000 कैपिटल विड्रॉन, 1,20,000 ऐड कर दिया, यहाँ 60,000 माइनस कर दिया,
फिर 240 माइनस और 300,000 प्लस, 240 माइनस 300,000 प्लस, आइए अब इसे करते हैं। कितने टाइम का? वन मंथ का। अमाउंट 574,000, ओके। फिर फर्स्ट में से फर्स्ट अक्टूबर कितने टाइम का? फाइव मंथ्स का। अमाउंट अब क्योंकि बढ़ा दी, एडिशनल कैपिटल है तो 1,20,000 ऐड कर दो, मेरा हो जाएगा 6,94,000। 2,40,000 माइनस कर दो 6,94,000 में, मैं इसको क्यों यूज करता हूँ, 2,40,000 माइनस कर देता है 6,94,000 में से, तो मेरा एक तो आ गया 2 और 40 गए तो 54, 2,54,000 सिक्स मंथ्स का, राइट। इस पे करो कैलकुलेट, वन मंथ 2,64,000, फाइव मंथ्स कितना 60,000 कम यानी 2,04,000, फिर 3,00,000 ऐड कर दिया, सिक्स मंथ्स 5,04,000। अब कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, मैं सिमरत का कैलकुलेट करूंगा, बीर का अपने आप करना। यस आई गॉट माई एरर, वो एरर यहाँ पर है, कैलकुलेशन एरर है जिसकी वजह से ये आंसर गलत आ रहा है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन एरर हुआ है, 1,44,000 मैंने 1,46,000 माइनस कर दिया, ये आना था 5,76,000। और यहाँ पर भी कैलकुलेशन एरर है बेटा, 3,24,000, सॉरी फॉर दैट, ओके। तो आपके आंसर में भी चेंजेस आएंगे, मैं इसलिए ग्रीन से हाईलाइट करूंगी कहाँ कहाँ एरर हो गए, तो उसे चेंज कर लेते हम लोग, 5,76,000 तो 5,76,000 का 6% डिवाइड बाय 12, 2,880 अब इसकी वजह से यहाँ पे भी एक सारे चेंजेस आएंगे हमारे, तो ये भी हो जाएगा 6,96,000, ओके। और ये भी आपका हो जाएगा 4,56,000, 6,96,000, 4,56,000। करेक्शन कर लेते हैं, 6,96,000 का 6% इंटू 5/12 17,400, ओके। 4,56,000 का 6% इंटू 6/12 2,880 प्लस 17,400 प्लस 13,680 ये आ गया 33,960, ओके। अब करेक्शन आ गई, कैलकुलेशन एरर था, तो सर यहाँ पे भी कैलकुलेशन हम करेक्ट करेंगे प्लीज। यह जगह 3,24,000 तो आपका यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, माइनस करेंगे 60 तो याद आएगा 2,64,000 ऐड करते हैं 3,00,000 तो 5,64,000, ओके। ये एक छोटा सा था, तो आई होप कि इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट एरर। इसे करने के बाद आप लोग अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर नॉट दैट वन 26 राइट नाउ।